हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास टेंथ हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट मैथ, और अपना चैप्टर चल रहा था 16.3। तो 16.3 के हम क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है जो, वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या, देखो एक शंकु है, क्या है, एक शंकु है, ठीक है, और एक है बेलन, क्या है, इसकी त्रिज्या हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो है वो हमें दी गई है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शंकु की तो है 10 त्रिज्या और बेलन की है त्रिज्या 5। अब उसने कहा है कि ये पानी से फुल भरा हुआ है, क्या, शंकु जो है वो पानी से भरा हुआ है। अब हमने इस पानी को इसमें डाल दिया, ठीक है, तो देखो इसमें डाल दिया तो मान लो ये यहां तक भर गया, तो अब इसकी ऊंचाई बतानी है हमें, यहां से यहां तक की इसकी ऊंचाई क्या है। तो देखो, जितना ये पानी इसमें है उतना ही ये पानी इसमें था, तो इस पानी की जो है क्या आयतन, वो तो बराबर है, पानी का आयतन तो बराबर है, जितना इसमें पानी था उतना ही इसमें पानी था, तो शंकु का आयतन और बेलन का आयतन क्या होगा, बराबर। बस शंकु के आयतन में बेलन के आयतन से क्या एच निकाल के भाग दे देंगे, एच का मान आ जाएगा, सरल है, ऊंचाई निकालनी है हमें। तो देखो, शंकु की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई बराबर 18 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो, मैंने अभी बताया कि जो बेलन का आयतन है, किसका आयतन है, बेलन का आयतन बराबर होगा किसके, शंकु के आयतन के, ये बेलन का पूरा आयतन नहीं है, जितना उसमें पानी भरा हुआ है ना उतना ही आयतन है ना। शंकु का आयतन पानी में डाला तो हमें तो केवल उतना ही बात करना है जितना उसमें पानी है, क्योंकि ऊपर का तो हमें मतलब है नहीं, हमें तो जितना पानी भरा हुआ है ना उतनी उसकी क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो देखो, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें एच का मान निकालना है तो इसका इधर भाग दे देंगे, तो देखो एच बराबर 1/3 तो है ही, ये है पाई आर स्क्वायर एच, अब ये भी नीचे आ जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई से पाई कट गया। देखो, इसमें आर का मान है 10, तो 10 × 10, और एच का मान है 18, यहाँ है 3 × 5 × 5, क्योंकि ये तो किसका है, बेलन का आयतन, बेलन की त्रिज्या कितनी है 5, और शंकु की त्रिज्या कितनी है 10, ठीक है। तो देखो, 5 × 10 और 5 × 10 और 6 × 18, तो 6 × 12, 12 × 24, तो ऊंचाई कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर, ठीक है। समझने वाली बात यही है कि जो शंकु का आयतन हम बेलन में करेंगे, भाई शंकु का पानी है उसको बेलन में डालेंगे, तो उस बेलन में जितना पानी गया हमें वही ऊंचाई बतानी है केवल, तो जितना वो पानी शंकु में था उतना ही पानी बेलन में, तो शंकु का आयतन निकाल लेंगे तो बेलन में जितना पानी है उसका आयतन आ जाएगा। अब ये समझ लो कि ये अपने पास आ गया बेलन का आयतन, इसको भूल जाओ, केवल क्या याद रखो कि बेलन का आयतन अपने पास कितना है। देखो, चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम कि बेलन का आयतन निकाल लो पूरा, ये है बेलन का आयतन 1/3 × 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी 100 गुना में 18, ठीक है। तो देखो, 6 × 3 = 18, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3.14 और 2 जीरो तो 14 गुना में 3, तो 4 × 3 = 12
तीन एकम तीन और एक चार और तीन तिया नौ, ये तो आ गया किसका, इसका आयतन। अब मान लो ये जो आयतन है ये इसका आयतन है, मान लो ये किसका आ गया, ये आ गया अपने पास बेलन का आयतन। शंकु का आयतन बराबर क्या है, बेलन का आयतन। अब हमें एच का मान निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 946 है, तो एच का मान निकालना है तो क्या करेंगे, वही एच बराबर 7 तो आ जाएगा ऊपर गुना 7 और ये आ जाएगा 22 गुना में 5 है यहाँ तो 25। ठीक है, अब इनका सॉल्यूशन कर लेना, इतना ही आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। चाहो तो उसको ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन, एक 14 सेंटीमीटर का क्या है, एक घन है। ठीक है, इसमें से बड़े से बड़ा शंकु काटना है, क्या करना है, बड़े से बड़ा शंकु और उस शंकु का आयतन निकालना है। तो देखो बड़े से बड़ा काटेंगे तो उसका व्यास कितना होगा, ए ऐसे होगा भाई, बड़े से बड़ा तो ऐसे ही कटेगा, तो 14 सेंटीमीटर तो व्यास हो जाएगा और उसकी लंबाई भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कितने का है, 14 भाई घन का, तो एक साइड अगर 14 की तो सारी कितने की हो जाएंगी, 14 की। तो देखो ये भी 14 है और ये भी 14 है। ठीक है, तो अपने पास शंकु का क्या है, व्यास है, क्या है, व्यास, शंकु का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, 14 बटे में 2 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या है, ऊंचाई भी दी हुई है, ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें शंकु का आयतन निकालना है, तो R भी है और H भी है, क्या निकाल लेंगे, शंकु का आयतन निकाल लेंगे, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर H, लगा लो, सॉल्व कर लो, 1/3 22/7 गुना आर है अपने पास 7 × 7 गुना एच है अपने पास 14। तो देखो 7 से इस 2 को काट देते हैं 2 बार, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 44 × 49 44 × 49/3। ठीक है, चाहो तो इसको 7 7 करके भी कर लेना, चाहो तो कैसे ही कर लेना, जैसे चाहो। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे कर लो, देखो 7 × 2 = 14 मतलब 7 7 49 49 × 2 कर लो, जब ज़्यादा इजी हो जाएगा 22 से गुना करना है ना, और भी इजी करना हो तो इसको कैसे कर लेना कि 49 × 2 तो देखो 9 × 2 = 18 4 × 2 = 8 और 1 = 9 कितना आ गया, 98 गुना क्या कर लेना 22 और बटे में क्या दे देना 3। ठीक है, तो देखो कर लो इनका गुना, 8 × 2 = 16 9 × 2 = 18 और 1 = 19 यहाँ आ जाएगा 6 9 1 तो ये हो जाएगा 6 5 15 ये हो जाएगा 1 और 2 कितना आ जाएगा 2156। ठीक है, 2156 में भाग दे देते हैं किससे, 3 से, तो देखो 7 × 3 = 21 5 में देंगे तो 5 × 1 = 5 बचा 2 ये हो जाएगा 26 तो 3 × 8 = 24 फिर बचेगा कितना 6 और 7 सेंटीमीटर क्यूब।
कितना आ जाएगा अपने पास? अपने पास आ जाएगा 718.67 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। बिल्कुल सरल है, केवल ये याद रखना है एक जो घन है उसमें से बड़ा क्या काटना है, शंकु। तो बड़े से बड़ा काटेंगे तो उसका जो ऊपर का क्या है व्यास है वो भी 14 होगा, और उसकी जो ऊंचाई हो जाएगी, है ना, तो ऊंचाई भी तो जितनी होगी जितनी किसकी ऊंचाई होगी, उस घन की ऊंचाई होगी। तो घन की ऊंचाई अपने पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई अपने पास आ गई और त्रिज्या अपने पास आ गई, तो आयतन हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, देखो शंकु के आधार की त्रिज्या, तो वही बात है, शंकु की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर। शंकु की तिरछी ऊंचाई, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। सब कुछ ज्ञात करना है और हमें सब कुछ ज्ञात करना आता है, सबके अपने पास फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले हम ऊंचाई तिरछाई तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तिरछी ऊंचाई को भी क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक, कैसे निकालते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हम लिख लेते हैं L से, है ना, के R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर का अंडर रूट। तो 7 7 49, 7 7 कितना हो गया 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, देखो कितना आएगा, 9 और 6 15 को 5 का हासिल लगी 1, 8 और 4 12 का 2 का हासिल लगी 1, 625 का क्या हो जाता है 25 सेंटीमीटर। तो अपने पास क्या आ गई, अपने पास L आ गया, क्या आ गया, L आ गई कितनी 25 सेंटीमीटर। अब हम कुछ भी निकाल लेते हैं। अब पहले उसने निकलवाया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। तो 22/7 गुना त्रिज्या कितनी है 7 और त्रिज्या की ऊंचाई कितनी है 25, तो 7 से 7 कट गया, 25 × 50 और ये आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सरल है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया पाई आर एल। अब हम निकाल लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र होता है, इसमें ही हम क्या जोड़ देते हैं पाई आर इस टू, मतलब पाई आर स्क्वायर और जोड़ देते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस आर बच जाता है, तो पाई आर एल प्लस आर 22/7 गुना में 7 24 और 7 कितना होता है 31, कितना होता है 31, ये 24 और 7 जोड़ दिए तो 7 से 7 कट गया, 22 एकम 22 2 22 3 66 और 2 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 2πr² h, मतलब πr² h में किसका भाग दे देते हैं 1/3
तीन का, है ना। तो एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो लगा दो कोई सूत्र, एक बटे तीन गुना बाईस बटे सात गुना सात गुना सात गुना में चौबीस, ठीक है। तो देखो सात से सात कट गया, आठ तिया चौबीस, ये भी कट गया, ठीक है। तो अपने पास कितना बचा है, ये अपने पास, तो देखो कैसे ही कर लो, पहले आठ का गुना कर लो बाईस से, तो आठ दूनी सोलह, आठ दूनी सोलह और एक सत्रह, इसका गुना कर लो सात से। किससे गुना कर देते हैं, सात से गुना कर देते हैं, तो एक सौ छिहत्तर, ठीक है। तो देखो पाई आर बाईस बटे सात, आर आ गया सात और ये हो गया इकतीस, इनका गुना करके देखते हैं एक बार, सही गलत तो नहीं हुआ ना। देखो बाईस एकम बाईस का दो को हासिल लगी, दो बाई दून चम्बाली बाई ती छियासठ, छियासठ और दो अड़सठ, ये मैंने घटा दिया, अब भी सही नहीं आ रहा क्या। ये देखो 550 प्लस में पाई आर स्क्वायर करते हैं, 22 बटे 7 गुना 154, ठीक है। 550 प्लस में 154 करेंगे कितना आएगा, 407, 704 आना चाहिए। तो पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो कहाँ गलती कर दी, देखो 22 बटे 7 आर एल प्लस आर 24 और 36 और एक 31, सब कुछ सही है, फिर ये गलत क्यों आ रहा है। देखो एक बार संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोबारा से देखते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला देखो कैसे बना था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लिया था, एल प्लस आर, यही फॉर्मूला हमने लगाया था। 22 बटे 7 त्रिज्या है 7 और ऊंचाई हमने और त्रिज्या दोनों ऐड कर दिए, तो 24 और 7 कितना होता है 31, तो 7 से 7 कट गया। अब 31 गुना 22 करके देखते हैं, 31 गुना 22, तो 22 एकम 22 दो हासिल लगी दो, तो 22 तिया 66 और दो अड़सठ, ये तो कितना आ रहा है 882 आ रहा है। अरे यार देखो पाई आर तो अपने एल है, एल ये तो एच है, एल का मान कितना है, एल का मान तो अपने पास 25 है ना, इसलिए ये गलत आ रहा है, ठीक है। हमने एल का मान क्या लिख लिया यहाँ, 24 लिख लिया, बल्कि एल नहीं है तो ऊंचाई है, एल तो अपन ने यहाँ निकाला है कितना 25, तो 25 और 7 कितना होता है 32, कितना होता है 32। अब गुना करते हैं, तो 22 दुनी 44 4 66 और 4 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, तभी सोचो गलती कहाँ हो रही थी, ठीक है। ये देखो L प्लस R है, ये H है ना कि L, L अपन ने यहाँ सॉल्व किया कितना आया 25, और शंकु का आयतन भी हमने निकाल लिया। अब केवल क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कितने का 176 गुना में 7, तो देखो 7 छिकी 42 4 7 7 49 50 53 हासिल लगी 5, 7 एकम 7 और 5 12, 1232 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ गया अपने पास, अपने पास आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब शंकु का आयतन, ठीक है। तो तीनों चीज़ आ गई अपने पास, सबसे पहले हमने एल का मान तिर्यक ऊंचाई निकाली 25, उसके बाद हमने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया पाई आर एल, कितना आ गया 550, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर से, तो एल का मान कितना है अपने पास 25 और आर का मान कितना है 7, तो इसको सॉल्व कर लिया कितना आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको सॉल्व कर लिया कितना आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक त्रिज्या खंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमने इससे जो पहली 15 प्रश्नावली थी ना उसमें त्रिज्या खंड पढ़ा था। तो देखो इसमें हमें दिया गया है कि एक त्रिज्या खंड है, क्या है, त्रिज्या खंड ये रहा, ठीक है। ये हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और कौन दिया गया 120 का, कौन दिया गया है 120, ठीक। तो इसकी सीधी कोरों को संपाती करके क्या बनाया गया, एक शंकु बनाया गया है। तो इस शंकु का आयतन ज्ञात करना, देखो ये भी एक शंकु बन गया, इसको मैं अगर अलग लिखता हूं ऐसे तो ये एक क्या बन गया, शंकु बन गया, जो हमें ये तो दिया गया है कितना 12, यानी L जो है ना, L तिर्यक ऊंचाई तो दी गई है 12, ठीक है। हमें आयतन निकालना है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 πr² h। तो देखो L का तो हमें कोई काम है ही नहीं, हमें चाहिए R और H, ठीक है। तो देखो हमें सबसे पहले R निकालते हैं। तो देखो ये जो है ना, ये क्या है, एक ऐसा ही है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये हिस्सा निकाल लेते हैं, कौन सा वाला, जब इसको हम सीधा करेंगे, देखो इसको ऐसे काटा है और इसको जब सीधा किया तो क्या बन गया, एक शंकु बन गया। इसको ऐसे क्या कर दिया, यों घुमा के शंकु बना दिया गया है, ठीक है। तो ये जितना होगा, ये होगा उस शंकु के जो नीचे वृत्त होता है ना उसकी परिधि के बराबर, किसके बराबर होगा, परिधि। तो हम ये, हमारे लिए तो ये क्या है, चाप की लंबाई है। तो चाप की लंबाई जो होगी ना, इस चाप की लंबाई वो उस शंकु के परिधि के बराबर होगी। तो शंकु की परिधि होती है 2πr, तो वहां से हम r का मान निकाल लेंगे, r का मान निकल जाएगा, l का मान दिया है तो हम h का मान भी निकाल लेंगे, फिर हम आयतन निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें इसमें निकालना होगा क्या, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो सूत्र भूले हो क्या कि नहीं भूले, देखो वैसे होता तो क्या है, 2πr² θ/360 डिग्री, पर इस दो से हम इसको काट देते हैं, कितना रह जाता है 180। तो हम क्या लिखते हैं, केवल πr² θ/180 डिग्री। थीटा हमारे पास है 120, कितना है 120। तो देखो 22 × r अपने पास है नहीं, r हमें निकालना है, r दिया थोड़ी गया है ना, r हमें नहीं दिया गया, हमें इसमें जो r दिया गया है ना वो r हम क्या यूज करेंगे भाई, इसके लिए तो ये r है, इसके लिए ये अलग से r होगा, है ना। तो इस चाप की लंबाई के लिए तो r क्या है, ये त्रिज्या है, है ना, ये क्या है, एक त्रिज्या। तो यहाँ तो आ जाएगा कितना, 12 × 12, और यहाँ आ जाएगा 120 डिग्री बटे में 180। तो 10 से 10 कट गए, ठीक है। 6 से काट देते हैं, 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12, ठीक है। तो 12 और 12 कितना बच गया अपने पास, देखो चाहो ना तो इसको कैसे कर सकते हैं, हम पाई के रूप में भी इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, पाई को हम ऐसे ही रहने देते हैं, हम अभी यहाँ 7 और आता है ना, वो मैंने 7 लिखा नहीं, इसको हम कैसे लिख देते हैं, पाई को पाई ही लिख देते हैं, और यहाँ आएगा 180। तो देखो 10 से 10 कट गई, ये पाई आर 2πr होता है, स्क्वायर नहीं होता भाई, परिधि में ही तो करते हैं, है ना, क्या होता है 2πr θ/360 डिग्री, यही तो होता है, स्क्वायर तो उसमें होता है जब भी हम क्या निकालते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जब भी चाप निकालते हैं तो 2πr θ/360 ये कट जाता है 180 बार, ठीक है। तो अब अपन पास आ जाएगा π × 12 × 120 / 180। तो 10 से 10 कट गई, 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12 और 3 × 2 = 6, तो 12 × 2 = 24 पाई, कितना आ जाएगा अपने पास, आ जाएगा 24 पाई। एक बार फिर से देखते हैं, देखो 0 से 0, 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18, तो नहीं 3 से इसको काट देंगे 4, तो 4 × 2 = 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8
फाइव है ना, क्योंकि देखो छह से इसको काट दिया, छह से तो दो ही बार कटेगा, छह बार थोड़ी कटेगा, छह दूनी बारह और छह ती अठारह, तीन से इस बारह को काट दिया चार बार, तो चार दूनी आठ, कितना आ गया अपने पास, अपने पास आ गया आठ पाई। तो ये जो आठ पाई है ना, ये उस चाप की लंबाई है, तो चाप की लंबाई यानी कि ये क्या है, टू पाई आर है, क्या है, टू पाई आर। देखो हमने इसमें बोला कि एक त्रिज्या खंड 12 से 120 है, इसकी सीधी कोरों को संपाति करके एक शंकु बनाया जाता है, तो इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ सीधी कोरों को संपाति करके बनाया गया है, इसलिए शंकु की परिधि चाप की लंबाई के बराबर होगी, है ना। तो देखो चाप की लंबाई जो है ना, वो बराबर होगी किसके, शंकु की परिधि के, क्योंकि उनको ही सीधा करके जो उसके वो है ना, उनको ही सीधा करके क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया है, ठीक है। तो हमें अब क्या निकालना है, देखो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, शंकु की परिधि क्या होती है, टू पाई आर बराबर चाप की लंबाई कितनी है अपने पास, एट पाई, ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा एट पाई बटे में दो पाई, पाई से पाई ये कट गया, कितना आ गया अपने पास, चार। तो त्रिज्या अपने पास किसकी, शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई, चार आ गई, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ शंकु की त्रिज्या बराबर चार सेंटीमीटर। अब हमें एल का मान निकालना है, तो देखो अपने पास ये त्रिज्या है ना, जो ये त्रिज्या आ गई, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी, दो। अब हमें ये निकालना है, ये अपन को बारह दिया ही गया है, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, h, h बराबर हो जाएगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का अंडर रूट। तो l अपने पास है 12, यानी कि 144 माइनस 16 का अंडर रूट, ठीक है। तो देखो 144 में से 16 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 128, ठीक है। अब 128 को हम बाहर निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, 9, 10 × 10 100, 12 × 12 144। तो देखो 100, तो 100 प्लस में कितना हो जाएगा, 28, या फिर देखो ऐसे भी कर सकते हैं, कितना, 64 × 2 कितना होता है, 8 × 12 = 128। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख लगते हैं 84 × 2। अब देखो 84 क्या होता है, 64 क्या है, 64 है ना, 64 गुना 2 कितना होता है, 128। तो 64 गुना 2 128 लिख लिया, इस 64 का अंडर रूट क्या होता है, 8, और ये अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 ही आता है। तो अपने पास h क्या आ गया, 8 अंडर रूट 2। अब हमें निकालना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h, 1/3 × 22/7 × r का मान है अपने पास 4, तो 4 का स्क्वायर 16 गुना h अपने पास है 8 अंडर रूट 2, कितना है, 8 अंडर रूट 2। तो देखो 3 × 4 = 12, ये नहीं कट रहा कुछ भी, ठीक। तो इसका आपस में गुना कर दो, क्या कर देना, गुना कर देना, देखो 22 का गुना कर देना 16 से, फिर कर देना 8 अंडर रूट से, तो ये पॉइंटों में इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो 22 गुना 16 क्या करते हैं हम, 22 गुना 16 करते हैं और गुना करते हैं 8, तो आ जाएगा 2816, इनको तुम कर लेना 2816 अंडर रूट 2, ठीक है, बटे में 7 तिया 21, कितना आ जाएगा 21। चाहो तो देखो अंडर रूट 2 का मान भी रख सकते हो, यहाँ ना कितना होता है 1.41, चाहो तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 भी छोड़ सकते हो। अब इसको काट लेना, ये देखो कितना आएगा, 21 एकम 21, बचा कितना 7, तो 3 बार जाएगा कितना,
ये हो जाएगा फिर कितना 63, फिर 63 कितने में से 71 में से, तो कितना बचेगा 63, 71 में से 63 गए तो 6, तो ये आ जाएगा कितना इसमें अंडर रूट 2 का और गुना कर लेते हैं, किसका गुना कर लेते हैं अंडर रूट 2 का, ठीक है, और गुना 21, तो देखो अंडर रूट 2 का होता है कितना 28 16 × 1.41 / 21, ठीक है। तो देखो 28 16 × 1.41 करेंगे जब आ जाएगा 3981 3.24 / 21, ठीक है, 3981.24। अब इसमें भाग देंगे जब आ जाएगा 9 पॉइंट, इसको तुम देख लेना ना, भाग लगभग इतना ही आ जाएगा 61 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये भाग तुम और देख के देख लेना अच्छे से, है ना, कोई गड़बड़ हो तो उसको सही कर लेना, है ना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14 कि चाप की लंबाई दी गई है। बस ये याद रखना चाप की जो लंबाई है ना वो शंकु की परिधि के बराबर होगा। चाप की लंबाई हमने 15वीं प्रश्नावली में निकालना सीखा था, पाई आर थीटा अपॉन 180, उसकी सहायता से हमने निकाल लिया 8 पाई। तो चाप की लंबाई बराबर शंकु की परिधि है, तो शंकु की परिधि क्या होती है, परिधि मतलब शंकु के आधार की परिधि, तो 2πr = 8π, तो यहाँ से आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 आ गया आर, एल अपने पास है ही, तो एच आ गया 8√2। फॉर्मूला लगा देंगे शंकु का आयतन 1/3πr² h। उसके बाद इसकी थोड़ी सी एक गणना कठिन है, इस गणना को तुम अच्छे से सही कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, अपनी ये प्रश्नावली खत्म हो गई। अब अगली जो प्रश्नावली है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 16.4। तो आज के लिए केवल इतना ही।